गाइस, वेलकम टू ब्यूटी अस्त्रा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सिंपल एक्सरसाइजेस, जिसे करने से आपका फेस फैट कम होगा और आपका जो फेस का मसल्स है वो भी टोन होगा। और अच्छी बात तो ये है कि इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको बस 2 ही मिनट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ अच्छा पाने के लिए 24 घंटों में तो आप 2 मिनट इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं देने वाली हूँ कुछ यूजफुल टिप्स, जिसे भी फॉलो करके आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी पाने वाले हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो वीडियो को चले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, पहले आप पूरा मुंह के अंदर हवा भर ले ऐसे ही, और ऐसे ही पोजीशन में आप 5 सेकेंड्स तक काउंट करें 4 एंड 5। फिर इस प्रोसेस को रिपीट करें। ऐसे प्रोसेस में आपको ये एक्सरसाइज 5 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। इससे आपका जो चीक्स का मसल्स है वो स्ट्रेच होगा और आपका चीक्स का फैट भी कम होगा। नंबर 2 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप पहली एक्सरसाइज की जैसे ही मुंह के अंदर हवा भर ले, पर इस बार आपको दोनों गालों को फुलाना नहीं है, बस एक ही साइड में ऐसे फुलाना है। फिर आपको क्या करना है, एग्जैक्टली द सेम वे आप जब ब्रश करने के समय मुंह में पानी लेके करते हैं, उसी तरह आपको ये हवा भर के करना पड़ेगा। इससे आपका फेशियल मसल स्टोन होगा और आपको एक स्लिम फेस मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 टाइम्स फॉलो करें। नंबर 3 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपका फेस का जो मसल्स है उसे अंदर की तरफ ऐसे पुल करना है, देखिए ऐसे, और इसी पोजीशन में आप 5 सेकंड्स तक काउंट करें। गाइस, यू शुड फील द स्ट्रेच ऑफ द मसल्स ऑफ योर चीक इन दिस एक्सरसाइज 4 एंड 5। फिर आपको छोड़ देना है, इसे भी आप 5 टाइम्स करें। अब बारी आती है एक्सरसाइज नंबर 4 की। गाइस, इसमें आपको क्या करना है, देखिए ऐसे आपको लिप्स को एक साइड की तरफ ट्विस्ट करना है और इसे आप 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, ताकि आपका जो फेस का मसल्स है वो स्ट्रेच हो सके। फिर दूसरी साइड रिपीट करें, ऐसे ही आपको लिप्स को ट्विस्ट करना है दूसरी तरफ और ऐसे ही 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है। गाइस, इस एक्सरसाइज में ऐसे ही दोनों तरफ में ट्विस्ट और होल्ड करके एक सेट होता है, तो आप इसे भी 5 सेट्स तक फॉलो करिए 3, 4 एंड 5। अब एक्सरसाइज 5 में आपको क्या करना है, ऐसे ही आपने लोअर जॉ को आउटवर्ड की तरफ स्ट्रेच करना है, ऐसे आगे लेके आना है, ऐसे मैं आपको साइड व्यू से दिखाती हूँ, देखिए ऐसे बाहर की तरफ पुल करना है अपनी लोअर जॉ को बाहर की तरफ, और फिर अपनी लोअर जॉ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। गाइस, इस एक्सरसाइज का बहुत सारा बेनिफिट है, इससे आपका लोअर जॉ लाइन शार्प होगा और ऐसे स्ट्रेच करने से ये टोन्ड भी होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको कभी डबल चिन का प्रॉब्लम नहीं आएगा इसे फॉलो करने से, इसे भी आप 5 टाइम्स तक फॉलो करिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे 5 सेकेंड्स काउंट करके इन 5 एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करें। तो देख लिया ना आपने, तो इन एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करिए, आप रिजल्ट्स बस 2 ही वीक्स में पा सकते हैं। पर इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले आप कुछ टिप्स जरूर याद रखिए। तो टिप नंबर 1 ये है कि इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपना फेस को वार्म अप कर ले। वो कैसे, जो वर्बल्स होते हैं ना AEIOU, ऐसे बोल के आप इन लेटर्स को 5 टाइम्स पहले जरूर बोलिए, फिर इन एक्सरसाइजेस को आप करें, तो आपका रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। टिप नंबर 2, आप जब भी कोई खाना खाए तो उसे बहुत अच्छी तरह से च्यू करें। Chewing is also a very good exercise, जिससे आपका फेस फैट कम होता है और फेस भी टोन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी में खा लेते हैं तो टाइम सेव हो जाता है,
पर वैसा आपको नहीं करना चाहिए। आप जब भी कोई खाना खाए उसे बहुत अच्छी तरह से च्यू करें। तो देख लिया ना आपने, इन पांचों एक्सरसाइजेस को आप जरूर फॉलो करिए। और फॉलो करने से पहले आप इन टिप्स को जरूर याद रखिए, ताकि आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिल पाए और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सके। तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करिए और इन पांचों एक्सरसाइजेस को जरूर करिए, आप रिजल्ट्स कुछ ही वीक्स में देख पाएंगे। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।